महापौर पूनम मनीष पटोले, लोनार सरोवर विश्व प्रसिद्ध है और लोनार गांव विज्ञान और धर्म की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्थान है। यहां दुनिया भर से पर्यटक और भक्त आते हैं स्नान के लिए। यह स्थान धर तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। पूर्णिमा अमावस्या दशहरा के साथ ही श्री संत गजानन महाराज संस्था की पालकी भी स्नान के लिए आती है। जिला कलेक्टर बुल्ढाना के आदेशानुसार कोविड-19 के प्रभाव से धरतीर्थ में स्नान वर्जित था। मंदिरों में ताला लगा दिया गया है और भक्त या पर्यटक दर्शन नहीं कर सकते। महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 से संबंधित सभी नियमों में ढील दी है। हालांकि कलेक्टर ने मांग की है कि इस स्थान पर आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को इस पवित्र स्थान पर किसी भी प्रकार का साबुन, शैम्पू या पाउडर लगाए बिना स्नान करने की अनुमति दी जानी चाहिए। इस दौरान नगर अध्यक्ष पूनम पटोले, बादशाह खान, उप महापौर नगर धरती ने कहा कि भक्तों पर्यटकों को स्नान करने की अनुमति दे। लोनार सरोवर विश्व प्रसिद्ध है और लोनार गांव विज्ञान और धर्म की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्थान है। यहां दुनिया भर से पर्यटक और भक्त आते हैं स्नान के लिए। स्थान धरतीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। पूर्णिमा अमावस्या दशहरा के साथ ही श्री संत गजानन महाराज संस्थान की पालकी भी स्नान के लिए आती है। जिला कलेक्टर बुल्ढाना के आदेशानुसार कोविड-19 के प्रभाव से धरतीर्थ में स्नान वर्जित था। मंदिरों में ताला लगा दिया गया है और भक्त या पर्यटक दर्शन नहीं कर सकते। महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 से संबंधित सभी नियमों में ढील दी है। हालांकि कलेक्टर ने मांग की कि इस स्थान पर आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को इस पवित्र स्थान पर किसी भी प्रकार का साबुन, शैम्पू या पाउडर लगाए बिना स्नान करने की अनुमति दी जानी चाहिए। यह महापौर, उप महापौर, नगर परिषद के अध्यक्ष और नगर परिषद के सभी सदस्यों द्वारा किया गया है। लोनार से BCN न्यूज के लिए शेख सम्मत की रिपोर्ट।